Who wants Nehan and Jungsu's love story? Ariana, Abi Ariana, Charlie say Ariya. Hello, my dears. Hello, guys. Welcome to today's video. आज का वीडियो बहुत स्पेशल और जरूरी है क्योंकि आज हम शेयर कर रहे हैं अपनी लव स्टोरी. जो लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, फॉर देम माय नेम इज नेहा एंड मैं इंडिया से हूँ. मेरा नाम जोंगसू ली है, मैं साउथ कोरिया से हूँ, नॉर्थ कोरिया से नहीं. और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी लव स्टोरी शेयर करने के लिए. तो आर यू गाइस एक्साइटेड? आई एम एक्साइटेड. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. तो ये बात है उस टाइम की जब मैं बहुत ज्यादा जवान होती थी. जवान में अभी भी हूँ पर मैं तब बहुत ज्यादा जवान होती थी. 2017 है ना? हाँ. मैं ना कोरियन कंपनी में जॉब करती थी गुड़गांव में. तो उस कंपनी में इंडियंस भी काम करते थे और उस कंपनी में कोरियंस भी काम करते थे. अराउंड जनवरी 2017 में तो जोंगसू की एंट्री होती है. अराउंड 26 और 27 जनवरी है ना? हाँ, जनवरी. हाँ. और जब मैं पहली बार जोंगसू को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ, सबसे पहले मेरे मन में ख्याल आता है, यार ये लड़का कुछ ज़्यादा ही लंबा है, मतलब नजायज़ से ज़्यादा लंबा है. तो यही मेरा रिएक्शन था और मैंने कुछ भी सोचा नहीं था. आई रिमेम्बर जोंगसू वॉज वेयरिंग समथिंग ब्लैक सूट, है ना? You are wearing it's navy color. हाँ, मतलब ब्लैक नेवी ऐसा ही कुछ कलर का, अब मुझे याद नहीं है. तो वो सूट पहना हुआ था पर मुझे ये नहीं पता था कि ये कौन सी टीम में काम करेगा. मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे वहाँ पे. I chose India because India is really known for traveling and something colorful images. Especially colorful means variety. And when I arrived in India, everything was really new. And right after opening the door of the airport, I could realize that, this is India. Because before visiting India, I studied about it. What's their culture, what's their religion, and especially I read even Ramayana as well. It was very interesting. Of course, it was very lamba-lamba, but still, I really liked it. When I entered the company, it is in Gurgaon, I could see Koreans, of course, but there were so many Indians. I sit one of the desks in one team. That time I saw a very sundar ladki. She was just sitting, I think, left side of me. And I felt, I want to be close to her. So time passed and it became lunchtime. So I had lunch with my colleagues, and after lunchtime, suddenly one ladki was coming inside, coming towards near my desk. So I thought, who is that? Who got late? I realized that the girl I saw in the morning was not the first priority. That larki who is entering after lunchtime is the first priority. Who was she? And there was, that larki is sitting next to me now. मुझे अभी याद नहीं है कि मैं उस दिन लेट आई थी, बट हाँ मुझे जोंगसू ने बाद में बताया. मैंने हाफ डे ले रखा था उस दिन. फिर ना मुझे पता चला कि ये हमारी टीम में ही है, कि हमारी टीम में ही आया है ये लड़का. तो जोंगसू ना बहुत ही ऐसे सीरियस बन के रहता था ऑफिस में, ऐसे रोबोट की तरह सूट पहना हुआ है, ना हंसता था ना कुछ. तो ना मैं ना इसको टीज करती थी कि यार इतना क्यों सीरियस रहता है, वाई थोड़ा इंडिया में आया है नया नया, खुश रह, ऐसे इतना वो क्यों रहता है, स्ट्रिक्ट सा क्यों रहता है, तू भी खुश रह और हमें भी साथ में खुश रह के काम करने दे. फिर हम जब साथ में काम कर रहे थे तो हमारी ना बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी आपस में, क्योंकि जोंगसू बहुत ही जैसे काम को एकदम हमारा ना काम कुछ ऐसे था कि हम लोग जो काम करते थे, हम थोड़ा सा मतलब मुझे जोंगसू को रिपोर्ट करना पड़ता था. तो मैं जो काम करके देती थी जोंगसू को, तो जोंगसू इतनी ज़्यादा उसके अंदर गलतियाँ निकालता था. ऑलवेज ही यूज़ टू से कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, मतलब नाजायज़ ही गलतियाँ निकालता रहता था. क्योंकि जोंगसू का जो तरीका है ना बहुत ही परफेक्ट काम करने का है, और मैं मेरे को आदत है थोड़ी सी, मैं गलतियाँ ज़्यादा करती हूँ और मैं थोड़ी सी जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती तो उन पर मेहनत ज़्यादा नहीं करती. तो मैं जल्दी जल्दी करके इसको दे देती थी. पर पहला it was say नहीं था, ठीक है. दूसरा it's my nature to be perfect. तो हमारे ना इस चीज में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, तो हमारी लड़ाई भी होने लगी थी कुछ कुछ चीज में. हाँ, बट उस लड़ाई के अंदर ही ना हम थोड़े से क्लोज आने लग गए थे, क्योंकि ये बाकियों के साथ काफी सीरियस रहता था और मेरे साथ थोड़ा सा हम लोग फ्रेंडली हो गए थे. मैं ना इसको हिंदी के वर्ड सिखाती थी गलत मदद से, और फिर मैं बोलती थी कि ना तू ना उस बंदे को बोल क्या, उस बंदे को बोल क्या, ऐसे में करती थी. तो मुझे बड़ा मजा आता था ये सब करने में. One day I asked her to have lunch outside.
तब तक जोंगसू और मैं क्लोज आ गए थे, मतलब अच्छे फ्रेंड्स की तरह बन गए थे. तो मैंने कहा हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं है, नया नया आया है इसको अभी पता नहीं है तो चलो ठीक है कर लेते. मैंने भी हाँ कर दी, ठीक है लंच करने चलते हैं. तो हम फर्स्ट टाइम मतलब बाहर लंच करने गए, तो सबसे पहले मैं घर से निकली थी, फिर उसके बाद फिर मैंने जोंगसू को पिक किया. और ना मुझे याद है कि फर्स्ट टाइम जब हम बाहर खाना खाने जा रहे थे तो जोंगसू ने ना ऐसे शॉर्ट्स पहने हुए थे, तो उस टाइम हाँ उस टाइम तक आई थिंक इट वॉज बाई देट टाइम इट वॉज मार्च है ना. It was, I think, March. हाँ, तब तक मतलब गर्मी आ भी गई थी बट इसने ऐसे शॉर्ट्स पहने हुए. तो मैं ना इसको मैं ना सोच रही, मैंने कहा क्या लड़का है, मतलब हम बाहर घूमने जा रहे हैं और इसने शॉर्ट्स पहने हैं. तो मुझे ऐसे अजीब सा लगा, मैंने कहा ये पागल सा लड़का है, इसने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, इसको कपड़े पहनने की अक्ल नहीं है. और मैं एकदम तैयार होकर आई थी, मैंने कहा ये मेरी बेइज्जती कराएगा. फिर मुझे लगा कोई बात नहीं फॉरनर है चल जाता है. फिर उसके बाद फिर वी वेंट आउट मेनी टाइम्स है ना, हम बाहर बहुत बार खाना खाते थे साथ में. मोस्टली शी टुक मी टू अ मैकडोनल्ड व्हिच इज इन कुरगांव. हां सो वी यूज्ड टू गो टू वन मॉल जो मेरे पीजी के बिल्कुल पास में होता था. जोंगसू में पीजी नहीं, बाय दैट टाइम आई थिंक यू शिफ्टेड टू वन अपार्टमेंट है ना. फॉर थ्री मंथ्स ही स्टेड इन पीजी एंड देन मार्च अप्रैल तक ही शिफ्टेड टू अपार्टमेंट. बट मैं पीजी में ही रहती थी तो हम मेरे पीजी के पास में ही एक मॉल होता था तो हम वहाँ मॉल में जाते थे और मैकडोनल्ड्स में तो ही यूज टू से कि मुझे मैकफ्लरी खानी है. तो मैं हमेशा जोंगसू के लिए पे करती थी मैकफ्लरी. मैं खुद नहीं खाती थी पर मैं इसके लिए पे करती थी. और फिर हम एक दूसरे को लाइक भी करने लग गए, हमें पता ही नहीं चला कब. तो एक दिन जोंगसू ने मुझे बोला कि आई लाइक यू, तो मैंने बोल दिया एकदम से हाँ आई लाइक यू ऑल्सो. ठीक है फिर उसके बाद मतलब ऑलरेडी हमारा ऑब्वियस ही था क्योंकि हम इतना ज़्यादा बाहर घूमने लग गए थे तो इट वॉज सो ऑब्वियस कि हाँ हम एक दूसरे को पसंद तो करती हैं. कि हम उस टाइम फिर ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन ही गए थे आई थिंक तब अप्रैल में मे इट वॉज. बट अभी प्यार वाली चीज नहीं थी, सिर्फ हम एक दूसरे को लाइक करते थे. तब मेरी जो थिंकिंग थी वो यही थी कि प्यार ऐसे नहीं होता, प्यार तो बहुत बड़ी चीज होती है, प्यार को तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. तो ऐसे हमारी हंसी खुशी में हमारा मतलब एक साल बीत गया ऐसे, मतलब हम रिलेशनशिप में आए. हमारे ना ऑफिस में किसी को भी नहीं पता था कि ऐसे कि हम दोनों एज अ रिलेशनशिप में हैं, एक भी मतलब बंदे को डाउट नहीं था हम पे. हाँ तो फिर उसके बाद फिर हम दोनों ने अपनी अपनी कंपनी चेंज कर दी. हाँ जोंगसू ने अपनी दूसरी कंपनी शिफ्ट कर ली और मैंने भी कोई और कंपनी शिफ्ट कर ली. तो बट स्टिल हम लोग मतलब अच्छे रिलेशनशिप में थे. फिर उसके बाद 2018 में मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि अभी जो है तेरी शादी का टाइम हो गया है तो वील स्टार्ट फाइंडिंग गाय फॉर यू. और मतलब हालांकि हम रिलेशनशिप में थे बट वो चीज़ सीरियस वाली हमारी थी नहीं, क्योंकि सीरियस वाली तब इस वजह से भी नहीं थी क्योंकि हम दोनों अलग कंट्री के हैं, हमारा कल्चर अलग है. ठीक है हम लोग मतलब साथ में थे बट शादी का तो हम लोग कभी सोचते ही नहीं थे, ना कभी मैंने इससे बात की थी शादी के लिए, ना इसने मुझसे कभी बात की थी. तो फिर उसके बाद फिर मेरी फैमिली ने बोला कि हमें तेरे लिए लड़का देखना है, तो मैंने भी एकदम मजे से बोला कि हाँ हाँ ठीक है मतलब ढूंढो मतलब हम मैं करूँगी शादी. तो फिर उसके बाद फिर मैंने इसे बताया कि मैं ऐसे आई एम लुकिंग फॉर अ गाय, तो उसने भी इसका भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था, हाँ ठीक है कोई बात नहीं. तो जैसे जैसे मेरे घर वाले मुझे से लड़कों की फोटो भेजते थे तो मैं अच्छे से पूरे इंटरेस्ट के साथ मतलब सीरियसनेस के साथ ऐसे देखती थी कि हाँ ये लड़का क्या करता है ये वो. फिर मैंने उनको मिलना भी चालू किया, तो कोई दिल्ली रहता था कोई चंडीगढ़ रहता था, तो ऐसे मैं मतलब फॉर मैरिज ऐसे मिली. फिर उसके बाद शुरू शुरू में मैं पूरी एक्टिव रहती थी इस चीज़ में, मैं पूरा अपने घर वालों को रिस्पॉन्स देती थी. मैं 7 से 8 लड़कों को ऐसे मिली मतलब फॉर अरेंज मैरिज, और मैं खुद ना जोंगसू को बताती होती थी कि मैं आज मतलब लड़के से मिलने जा रही हूँ, तो वो भी मजे से हाँ हाँ ठीक है जा गो इन्जॉय. तो फिर उसके बाद क्या हुआ मेरी ना मतलब धीरे धीरे ना मुझे ना जैसे मतलब मेरी फैमिली मुझे कहती थी कि इससे मिल ले उससे मिल ले, तो मुझे ना ऐसे इंटरेस्ट ही मेरा कम हो गया. मुझे ना पता नहीं क्यों अजीब सा लगने लग गया कि नहीं यार मैं ऐसे किसी से शादी नहीं कर सकती. फिर ना मैं ना मतलब धीरे धीरे ना अपने आप सोचने लगी कि क्या मैं जोंगसू से शादी कर सकती हूँ, ऐसे वो चीज़ जो मैं बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सोचती थी. फिर मैं धीरे धीरे सोचने लगी इज़ इट पॉसिबल टू मैरी जोंगसू. तो फिर उसके बाद फिर मेरे मन में एक ख्याल आने लग गया, पहले तो मैंने इन ख्यालों को इग्नोर किया बट फिर मैं धीरे धीरे और ज़्यादा इस चीज़ में सोचने लगी. मुझे ऐसा लगा कि इससे अच्छा बंदा तो मुझे कोई मिल ही नहीं सकता, कोई मुझे समझ ही नहीं सकता, और हम बहुत ही क्लोज थे. तो फिर उसके बाद फिर एक बार ऐसा हुआ तो मैंने जोंगसू से पूछा कि मेरे को ना तू एज अ मैरिज के लिए अच्छा लग रहा है, तो
फिर उसके बाद व्हाट इज योर ओपिनियन. तो जोंगसू का भी रिस्पॉन्स ऐसा था कि हाँ मैं भी पसंद करता हूँ, बट बोला कि अभी मैं मैरिज के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं फाइनेंशियली रेडी नहीं हूँ, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं. फिर ना 2019 आ गया, ऐसे करते 2019 आ गया. मेरे घर वालों को तो मुझ पर पूरा डाउट हो गया कि कुछ गड़बड़ है कि ये लड़की रिस्पॉन्स नहीं दे रही. पहले इतनी ज़्यादा जोश में होती थी कि हाँ हाँ मतलब आप लोगों की पसंद से करूँगी, अब तो ना फोटोज पे रिप्लाई आ रहे हैं. ये मेरे लिए ना बहुत मुश्किल था डिसाइड करना, सबसे पहले खुद के साथ कि क्या मैं इससे शादी करना चाहती हूँ. तब बात आती है कि मैं आगे फैमिली से डिस्कस करूँगी. मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी था कि हाँ मैं अपनी फैमिली के थ्रू कोई लड़का देखूं और पसंद करूं और शादी करूं, एक बहुत ही स्मूथ लाइफ जैसे होती है, ठीक है. और दूसरा मेरे लिए था कि आई चूज जोंगसू, मेरे को फैमिली से भी मिलवाने में डिफ़िकल्ट होगा, फैमिली को एक्सेप्ट करने में डिफ़िकल्ट होगा. मतलब बहुत ही एक डिफ़िकल्ट रास्ता था और एक बहुत ही ईजी रास्ता था. बट मैं ना अपने आप से हमेशा यही क्वेश्चन करती थी कि अगर मैं इन केस मैं अगर अरेंज मैरिज करती हूँ, ठीक है, फैमिली के थ्रू मैं चूज़ करती हूँ, मैं अगर खुश ना रही, ठीक है, क्योंकि मैं जोंगसू के साथ ऑलरेडी बहुत खुश थी, तो अगर मैं ऐसे किसी के साथ शादी करती हूँ, चाहे भले ही अपना इंडियन ही है, अगर मैं खुश ना रही, और मैं ज़रूर फिर ये सोचूंगी कि यार जोंगसू कहाँ पे होगा, अच्छा काश मैं जोंगसू के साथ शादी कर लेती, काश मैं ये रिस्क ले लेती, काश मैं, तो मैं फिर ना ये सोच के बहुत डर जाती थी कि यार मुझे ना ये नहीं चाहिए, मैं ये कोई ना अपनी लाइफ में ऐसा रिग्रेट नहीं करना चाहती. तो मतलब मेरे लिए ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट था कि अपने आप से मैं यही क्वेश्चन करती थी. तो फिर मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया कि ठीक है, अब मुझे अपनी फैमिली से इस चीज़ के लिए बात करनी ही पड़ेगी. आई न्यू दैट, मुझे पक्का पता था कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये पता नहीं कैसी अनकम्फर्टेबल चीज़ होगी, पता नहीं क्या डिस्कशन होगा, मुझे कुछ भी मतलब इन द सेंस मेरे को सब पता था कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है, बहुत ही पेनफुल होने वाली है ये चीज़. फिर एक दिन की बात है, मैंने अपने घर आई थी 2019 में, 2019 में, तो एक दिन रात की बात है, तो हम लोगों ने खाना खाया घर पे, तो मैंने अपने पापा को बताया चलो वॉक करने चलना, तो मैं आपको एक बात बतानी है. तो फिर उसके बाद हम वॉक करने गए, मैं और मेरे पापा. फिर मैंने कहा पापा मुझे ना एक लड़का पसंद है. मेरे पापा थोड़े कूल है, मतलब इतना कोई दिक्कत नहीं, उन्हें था कि लड़की हमारी इंडिपेंडेंट है, समझदार है, तो कुछ भी जो चूज़ करेगी तो अच्छा ही चूज़ करेगी, गलत तो चूज़ नहीं करेगी. वो कहते ठीक है कोई बात नहीं. कहते क्या करता है? मैंने कहा मेरे साथ जॉब करता है. अच्छा अच्छी सैलरी है? मैंने कहा हाँ ठीक है सैलरी ठीक है. दिखता ठीक है? मैंने कहा हाँ ठीक दिखता है. फिर उसके बाद असली जो मोमेंट ऑफ ट्रुथ फिर उसके बाद फिर लास्ट मेरे पापा ने पूछा कि उस लड़के की कास्ट क्या है. मैंने कहा उसकी कोई कास्ट नहीं है. कहते कास्ट नहीं है? ठीक है. मैंने कहा हाँ वो कोरियन है. एंड एकदम से साइलेंस, मतलब एकदम से साइलेंस. मेरे पापा एकदम रुक गए, मैं भी एकदम रुक गई. मतलब हम चल रहे थे और एकदम से, मतलब वहाँ पे तो मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी मतलब मेरे लिए कि भाई ये तो धरती मतलब खुल जाए भाई, मतलब मैं अभी मुंह नहीं दिखा सकती अपना, ये मैं अभी इस चीज़ को कैसे फेस करूँ. तो फिर हम वहाँ पे रुक गए. फिर उसके बाद आप मानोगे कि हम जब वापस आए हैं, मतलब वॉक पे जाते वक्त ये सब डिस्कशन में आते वक्त जब हम वापस आए, हमारे में कोई भी बात नहीं हुई है मेरे और मेरे पापा में आते वक्त. सिर्फ वो बात वहीं पे ख़त्म होगी कि कोरियन है, ठीक है. एंड देन मेरे पापा घर आए, मैं आई, सोने का टाइम हुआ, तो वो कहते ये जो आपका डिसीजन है ना वो आप बदल लो, चेंज कर लो, ये सही नहीं है. बैक ऑफ द माइंड ये टेंशन हो गई थी एकदम से कि ये क्या कर रही है लड़की. फिर उसके बाद फिर मतलब मेरे घर में बाकी लोगों को भी पता चला, मेरी सिस्टर को पता चला. मेरी सिस्टर को इतना गुस्सा आया, मतलब बहुत ही गुस्सा आया. मतलब पापा ने तो फिर भी कुछ ऐसे, पापा ने तो साइलेंस वाला रिस्पॉन्स दिया, और मेरी सिस्टर तो वो ऐसे मेरे पीछे पड़ गई भाई. तू उसने जो मुझे गंदा गंदा बोला कि तू पागल है, लोग क्या बोलेंगे, तेरा दिमाग खराब हो गया है. सबसे मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुश्किल ये था क्योंकि आपको आपने ये मतलब मैंने ये डिसीज़न ले लिया था, मुझे पता था कि मैं जोंगसू के साथ ही खुश रहूँगी, बट आपकी फैमिली उसके कारण इस चीज़ इस डिसीज़न, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि मैं इस चीज़ इस फेस को कैसे पास करूँ. तो ऐसे ऐसे 2019 के एंड में मेरे पापा ने मुझे बोला चल तू एक काम कर, उस लड़के को बुला. फिर उसके बाद मेरी फैमिली तो अम्बाला में, और जोंगसू रहता था दिल्ली में, तो फिर उसके बाद जोंगसू आया अम्बाला. So I took a train to Ambala. I met her family
in one restaurant, Indian restaurant. मेरे जो पापा हैं वो नानी साइड वालों को अनाउंस कर चुके थे कि नेहा का दिमाग खराब हो गया है तो एक लड़के को मिलना है तो आप सब हम सब मिलेंगे पर टेंशन वाली कोई बात नहीं ये लड़का कोई हमारा फाइनल नहीं है तो आप लोग मिलो उस लड़के को फिर उसके बाद नेहा को समझाना कि इन द सेंस कि इससे शादी नहीं करनी है तुझे फिर जोंगसू ऐसे बीच में बैठा हुआ था आई रिमेम्बर एंड आई थॉट इट्स लाइक एन इंटरव्यू आई वाज रियली कॉन्फिडेंट दैट आई कुड पास द इंटरव्यू बिकॉज आई हैव नेवर फेल्ड पासिंग द इंटरव्यू बिफोर आई मीन टू गेट अ जॉब बट जैसे ही हम वहाँ से निकले तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ये इमोशनल मोमेंट था कि जैसे मेरी मासी और मेरे मामू वो मुझे बोलते कि नेहा तू जो ये डिसीज़न ले रही है वो सही नहीं है काफ़ी अलग है वो हमसे अलग दिखता है हमारा अलग कल्चर है सब कुछ अलग अलग है फिर उसके बाद फिर जोंगसू अपना वापस ही वेंट बैक नेक्स्ट डे फिर उसके बाद फिर से वही चालू हो गया फिर से मेरी फैमिली ने मुझे कहना स्टार्ट कर दिया हम जब भी मैं और मेरे पेरेंट्स मुझसे बात करते कि तो हमेशा मुझे कहते थे तूने अपना डिसीजन चेंज किया तूने किया बट मैंने तो किया नहीं था अपना डिसीजन चेंज 2019 के बाद 2020 आया हाँ फिर उसके बाद 2020 में तो कोरोना आ गया था तो फिर तो लाइफ का ही नहीं पता था कि हम वी विल बी अलाइव और नॉट मतलब ऐसे वाली सिचुएशन थी फिर मेरे घर वाले भी शांत हो गए पता नहीं क्यों फिर वो बिजी हो गए मतलब कोरोना में बिजी हो गए तो थोड़ा सा हमारा रिलेशनशिप मेरा और मेरे घर वालों का ठीक होने लगा तो फिर बट वो मेरे से फिर भी 4-5 महीनों में दो तीन महीनों में पूछ लेते थे फिर थोड़ा फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई थी बट स्टिल वो पूछ लेते थे चल रहा है क्या तुम लोगों का रिलेशन टूटा नहीं अभी तक दे वर वेटिंग कि कभी तो ऐसा मोमेंट आएगा कि ये दोनों कभी तो तोड़ेंगे इतना क्या इनका प्यार हो गया तो बट वो मोमेंट आया ही नहीं था एंड द मोमेंट हैज कम टू गो बैक टू माय कंट्री इट वाज almost end of December 2020. हाँ फिर ना मैंने अपनी फैमिली को भी बताया कि जोंगसू कोरिया जा रहा है और मेरी फैमिली एक तरीके से बहुत खुश थी कि चल अब तो इनका रिलेशन पक्का टूटेगा ही टूटेगा भाई अब कहाँ से चलने वाला है इनका अब उन्होंने सोचा कि ये इंडिया रह रही है वो कोरिया रह रहा है कहाँ प्यार का भूत उतर ही जाएगा अब तो और मैं सही बताऊँ मुझे भी उस मोमेंट पे ऐसे था कि अब शायद से लॉन्ग डिस्टेंस ऐसे नहीं चल पाएगा right. हाँ क्योंकि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली मेरे को ऐसा था कि हालांकि हम एक दूसरे बहुत प्यार करते थे बट स्टिल मेरे को एक डाउट था कि क्या मालूम शायद से कि क्या ही विल बी बिजी इन हिज लाइफ अपनी कंट्री में अलग अपना लाइफ में रहेगा कि मैं हमेशा ही बोलती थी कि ठीक है भगवान जी अगर हमारा नहीं होना ना फॉर होल लाइफ तो वो टूट ही जाएगा अगर होना है तो हम ऐसी सिचुएशन में भी स्ट्रांग ही रहेंगे तो मैं अपने आप को यह कह के अपने आप को पॉजिटिव रखती थी बट स्टिल वी ट्राइड रियली हार्ड टू मेंटेन आवर रिलेशनशिप थ्रू बाय फेस टाइम फेस कॉल आवर रिलेशनशिप वाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर Not weaker and weaker. No, more strong. We could feel that. तो मेरे फैमिली वालों ने भी रियलाइज कर लिया था कि ये मानेगी तो है नहीं चाहे हम कुछ भी बोल लें तो इनका रिलेशनशिप तो स्ट्रॉन्ग है इसने वही करना है जो इसको करना है फिर उन्होंने मुझे 2021 में मिड ऑफ 2021 में मुझे बोल दिया था कि ठीक है जा नेहा जी ले अपनी जिंदगी करा ले तू शादी तुझे उसी से करानी है करा ले पर करा तो ले अब शादी सो इट वॉज माई टर्न टू कन्विंस माई फैमिली फर्स्टली माई फादर सेड He didn't care about the culture, I mean, any other differences. He said, whoever you like, he's ready to accept. So it was really easy to convince him. But the biggest hurdle was my mother, because she had really strong beliefs that same country people should get married. So I had long conversation with her. Finally, she said, okay, it's your life. Of course, she was not happy to accept, but yeah, she had to. That was the moment both of our families accepted each other. हाँ, but देखो मतलब हमारी दोनों family accept तो कर लिया था mentally कि हाँ ठीक है, but इतना 100% भी खुश नहीं थे कि हाँ मतलब जब तक हमारी शादी नहीं हुई तब तक. फिर उसके बाद जुलाई का time था, तो हम लोग फोन पे दोनों video call पे बात कर रहे थे, तो मैंने जोंगसू पूछा भाई क्या सीन है यार बुढ़ी हो जाऊंगी मैं तब शादी करूंगी क्या. जोंगसू ने मुझे बोला अक्टूबर में शादी करते. फिर मैंने अपने घर वालों को बताया, मेरे घर वाले भी खुश चल ठीक है करा रही है शादी ठीक है फाइनली करा रही है. उसके बाद फिर जोंगसू अक्टूबर में इंडिया आया
बट मैं चाहती थी कि फैमिली भी आए जोंगसू की, बट क्योंकि कोविड की स्टिल रिस्ट्रिक्शंस थी. हाँ, इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, बट कोरिया में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी. अगर आप किसी कंट्री से वापस आ रहे हो कोरिया में, तो आपको इतने इतने दिन क्वारंटीन करना पड़ता था, और फ्लाइट टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव थी, मतलब बहुत डिफिकल्ट था आना. तो जस्ट जोंगसू ही आ पाया. तो आई थिंक, मुझे लगता है कि हमारी शादी पहली शादी होगी जिसमें सिर्फ लड़का अकेला, दूल्हा अकेला था. फिर जब शादी पे जोंगसू आया, तो सबको, मेरे रिलेटिव जिन्होंने जोंगसू को नहीं देखा हुआ था, तो सबको इतना अच्छा लगा जोंगसू, मतलब मैं हैरान होगी. मेरी शादी पे ऐसे था कि लड़की को कोई पूछ नहीं रहा है, लड़के को सब पूछ रहे हैं. घर के बच्चे भी जोंगसू को पसंद कर रहे हैं, रिलेटिव भी पसंद कर रहे हैं. हाँ, मतलब फिर हमारी शादी 3 दिन चली अक्टूबर में, हल्दी मेहंदी ये सब चीजें. हाँ, फिर जोंगसू यू केम फॉर अ वीक, है ना? यस फ्रेंड. हाँ, फॉर 1 वीक आया, एंड देन फिर उसके बाद हम लोगों ने उस टाइम अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई किया, जो कि बहुत डिफिकल्ट था. इंडिया में सरकारी काम बहुत डिफिकल्ट है. फिर ही वेंट बैक, एंड फिर उसके बाद फिर मैं नवंबर में एज अ जोंगसू की वाइफ कोरिया आई, एंड देन वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कोरियन मैरिज जब मैं यहाँ पे आई. 2022 में हमारी कोरिया में शादी थी, फरवरी में. फाइनल हमारी जो एंडिंग है वो एकदम हैप्पी एंडिंग हुई. तो गाइज, ये थी हमारी लव स्टोरी. आप बताना कि आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी. इस लव स्टोरी का आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था. एंड एक और चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम लोग आपस में डेट करते थे, तब कोरिया इतना ज़्यादा, मतलब BTS के पॉप के ड्रामा इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे. थे फेमस, बट उतने ज़्यादा नहीं थे. तो जब हम डेट कर रहे थे, तो हमें बहुत ज़्यादा गंदे कमेंट्स भी मिलते थे लोगों से. जैसे हम लोग इंडिया में जब घूमते थे, तो दिल्ली वगैरह में, तो कुछ कई बार कोई हमें कमेंट कर गया कि अरे ये कैसा कपल है, ये कैसा है. तो वो चीज़ भी बहुत बुरी लगती थी. बट अब जब किसी को पता चलता है कि अच्छा, मतलब अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब किसी को पता चलता है कोरिया, अब सबको पता है क्या है. एवरीवन लाइक्स BTS, K-pop, K-drama. तो मुझे ये चीज़ ऐसे लगती है कि मैं उस स्टेज से इस वाली स्टेज पे भी आई हूँ. Even that time when we were dating, people didn't know about Korea. Or I think they knew the North Korea, but not the South Korea. Whenever I went out and meet people, then firstly Indian asked me that, are you from China? Nay. Are you from Japan? Nay. Then where? Nepal then, also they said. Oh, sometimes. Then they asked me, are you from North Korea or South? See, this much they didn't know about South Korea at all. बट हाँ, बट अभी जैसे मैं ना इंडिया गई, तो मेरे गली के इतने सारे बच्चों को पता है, अरे दीदी आप कोरिया रहते हो, अरे आप वहाँ तो BTS है, आप BTS से मिले हो. Blackpink. तो मतलब अब वो इतने एक्साइटेड होते हैं. और पहले जब हम लोग डेट करते थे, तब इतने बुरे बुरे कमेंट्स आते थे. I hope we didn't miss any point. Major points. Point, हाँ. I hope so. तो फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए, राइट, बाय बाय. We love you. Bye, Karo. Bye. See you next time. See you next video.